नमस्कार, बीबीपी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वराज विश्वजीत पटनायक। दुनिया भर में 29 जुलाई के दिन विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत में लगातार बाघों की संख्या में गिरावट के कारण भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ अभियान कार्यक्रम शुरू किया। इसके अंतर्गत भारत के अलग अलग राज्यों में 9 अभयारण्य बनाए गए। आज इनकी संख्या बढ़कर 53 हो गई है। लोगों में बाघों के प्रति जागरूकता फैलाने साल 2010 में रूस में टाइगर समिट कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में 13 देशों ने भाग लिया। हर साल 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाने के लिए इस कार्यक्रम में निर्णय लिया गया। एक समय देश में विलुप्त होने की कागर पर पहुंच चुकी बाघों की संख्या आज तेजी से बढ़ रही है। बाघों को संरक्षण देना तथा उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। हर साल पूरे विश्व में 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का मकसद है कि लोगों में बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए जागरूकता पैदा की जाए। एक वक्त था जब बाघों की प्रजाति पर संकट आ गया था और तेजी से इनकी संख्या घट रही थी, लेकिन अब बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास में विश्व बाघ दिवस की शुरुआत की गई। साल 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना शुरू किया। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। 1973 में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या 9 थी, जो आज बढ़कर 51 हो गई है और भारत के 18 राज्यों में फैला हुआ है। 29 जुलाई 2010 को कई देशों ने मिलकर रूस में आयोजित टाइगर समिट कार्यक्रम में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये समझौता विश्व स्तर पर बाघों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए था। दुनिया भर में सिर्फ 13 ऐसे देश हैं जहां बाघ पाए जाते हैं, जिसमें 70% हिस्सा भारत में ही है।